सर बदलाव तो काफ़ी आया है। देखो अभी लोग इतना सब जानते हैं, इतना प्यार इतना सम्मान देते हैं, तो उम्मीद भी बहुत बढ़ गई है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं तो सब उम्मीद कर रहे हैं कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ, और मैं अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गोल्ड कोस्ट में गोल्ड लेके आऊँ। बिल्कुल सर, हम रेसलिंग टीम है, वो पूरा अपना मतलब 100% कर रहे हैं और उम्मीद जिता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे और पूरी की पूरी टीम मेडल के साथ वापस आएगी। बाउट रहने वाली वो नाइजीरिया और कनाडा के साथ है, तो उसी पे वर्क चल रहा है। वीडियोस देख रहे हैं, उनकी टेक्निक देख रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो उसी पे हमारे कोचेज हमारे साथ उसी पे कमियों पे काम हम कर रहे हैं। और बस यही है, दो कंट्रीज हैं, दो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले। जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो हम 3 से 4 लड़कियां थी रेसलिंग करती थी, और अभी जो है सेम सेंटर पे हम 30 से 40 लड़कियां हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से लोगों की सोच बदली है, पेरेंट्स की सोच बदली है, लड़कियों को वो ऐसे स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं जो कि मतलब कभी से बोला जाता है कि लड़कों का गेम है रेसलिंग। तो सब पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि हम ऐसा क्या कराएं कि हमारी बेटी आपके जैसा बने। तो सर मुझे प्राउड है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो खुल के आगे आ रही है और अपना जो मन चाहे वो कर रही है। सर 11 से मैं यहाँ हूँ, ये मेरा मतलब ऐसे लगा लो सेकंड होम है। घर होती हूँ तो मन लगता है, यहाँ होती तो मन लगता है, कहीं और लेके जाओ तो मन नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही है। और यहाँ इतनी ट्रेनिंग की हुई है दिन रात, मतलब हर एक चीज़ जैसे अपनापन यहाँ आने लग गया है। जैसे यहीं ट्रेनिंग करूँगी तो ही कुछ अच्छा होगा, एक ऐसे मतलब वो नहीं स्पिरिचुअल और कुछ ऐसी सी बात हो जाती है कि बहम हो जाता है कि बस अब यहाँ करूँगी तो अच्छा भगवान सुनेगा, परफॉर्मेंस अच्छी देगा। तो सर बस अच्छा है, साई सेंटर और फैसिलिटीज़ बहुत अभी इम्प्रूव हो रही हैं, और बहुत सारी जूनियर की लड़कियां हैं, जूनियर कैडेट का कैंप आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि वो लड़कियां भी इतना अच्छा करें और देश के लिए बदल जाए। मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो है वो उनकी सोच बदली है, उनके पेरेंट्स की सोच बदली है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग किसी से कम नहीं हो। लड़कियां जो है वो बहुत अच्छा कर सकती है, लड़कों से भी अच्छा कर सकती है, जो कि हमने करके भी दिखाया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आगे आओ, अपने पेरेंट्स को जो आप करना चाहते हो वो करो, और किसी भी चीज़ में या किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, अपना पूरा पैशन पूरी डेडिकेशन एक चीज़ में देनी पड़ेगी, जब भी कुछ जाके अच्छा अचीव होगा। मैं अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, हम मेडल लेके आते हैं तो हमारे लिए अच्छी अवार्ड्स करते हैं, जॉब देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि सभी को इतना करना चाहिए कि बच्चे मोटिवेट हों और स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और रही बात रेसलिंग की सर, तो यही बोलते हैं कि हमारे हरियाणा में जो खाना अच्छा है, दूध दही जो प्योर है, तो उसकी वजह से हमारे हरियाणा में ज़्यादा अच्छे रेसलर्स निकलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, यूपी से भी काफ़ी अच्छी लड़कियां हैं। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो मेरे जो रोल मॉडल थे वो अलका तोमर दीदी थे, जो यूपी से ही है। उनको देखती थी और ये सोचती थी कि अब मैं कभी उनकी जगह पे पहुंच पाऊंगी, वो कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन है, वो वर्ल्ड में मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। तो उनको देख के मैंने बहुत मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं इन जैसा कब बनूंगी। अब वो हमारे चीफ कोच, अभी वो हमारे कोच के तौर पर यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं, और मेरी मेहनत और मेरी से भगवान ने मुझे ओलंपिक से मेडल दिया। और बस यही है कि अच्छा है, यूपी में भी अच्छा कर रही है।